आज के वीडियो में हम जानेंगे काल भैरव जयंती कब है, इसके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं व्रत कथा, इन सभी के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन काल भैरव की पूजा की जाती है और साथ ही व्रत भी रखा जाता है। इनकी पूजा और अर्चना विधि विधान के साथ करनी चाहिए। इनका व्रत रखने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से सभी तरह के ग्रह और सभी क्रूर नक्षत्र जिनका अशुभ प्रभाव होता है वो सभी खत्म हो जाता है। काल भैरव का स्वरूप विकराल एवं क्रोधी है। काल भैरव के एक हाथ में छड़ी होती है। काल भैरव का वाहन काला कुत्ता होता है, इसलिए भैरव के रूप में काले कुत्ते को भोजन करवाना अच्छा माना जाता है। भैरवनाथ को मदिरा का प्रसाद पसंद होता है, हालांकि उन्हें जलेबी, पुए और रोटला का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। काल भैरव की पूजा मात्र से किसी भी तरह के टोने या टोटके का असर मनुष्य पर नहीं होता है। ऐसी भी मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य के शरीर में निवास करने वाली बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा से भी शीघ्र छुटकारा मिलता है। शनिवार या मंगलवार के दिन काल भैरव की पूजा करके बुरी शक्तियों को दूर किया जाता है। काल भैरव जी पापियों को दंड देने वाले माने जाते हैं, इसलिए काल भैरव को दंडपाणि भी कहा जाता है। कालाष्टमी के दिन ही शिव शंकर के इस रूप में भैरव ने जन्म लिया था। भैरव का अर्थ होता है भय को हराने वाला, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है उसके जीवन में सभी तरह के भय का विनाश होता है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और काल भैरव की पूजा की जाती है। कुछ लोग इस पूजा को रात में भी करते हैं। काल भैरव जयंती इस बार वर्ष 2023 में 5 दिसंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। भैरव के दो स्वरूप होते हैं, एक बटुक भैरव जो कि शिव जी के बाल रूप माने जाते हैं, यह सौम्य और प्रसिद्ध रूप है। वहीं दूसरे काल भैरव जिन्हें की दंड नायक माना जाता है जो कि दंड देने के लिए प्रसिद्ध है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 दिसंबर 2023 को रात्रि में 9:58 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 दिसंबर 2023 को सुबह 12:37 पर होगा। काल भैरव की पूजा रात्रि के समय में करनी अच्छी मानी गई है, लेकिन गृहस्थ लोग दिन के समय में पूजा करते हैं। गृहस्थ जीवन वाले लोगों के लिए पूजा का समय सुबह 10:53 से दोपहर 1:29 तक है। वहीं रात्रि के समय निशिता काल मुहूर्त अर्थात पूजा करने का मुहूर्त 5 दिसंबर की रात 11:44 से देर रात 12:40 तक। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए अब हम काल भैरव जी की पूजा विधि जानते हैं। यह पूजा सामान्यतः रात्रि में की जाती है। पूरी रात शिव जी, माता पार्वती एवं भैरव बाबा की पूजा की जाती है। भैरव बाबा तांत्रिकों के देवता कहे जाते हैं, इसलिए यह पूजा रात के समय होती है। पूजा करते समय व्रत का संकल्प ले, अपने पितरों को याद करें और उनका श्राद्ध करें। दूसरे दिन जल्दी उठकर शुद्ध होकर पवित्र नदी में नहाए या फिर घर पर पानी में गंगाजल डालकर नहाए। उसके बाद श्राद्ध तर्पण करें, जिसके बाद भगवान शिव के भैरव रूप पर राख चढ़ाए। इस दिन धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव जी की पूजा करें। व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाए एवं भोग में कई चीजें दी जाती हैं। इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को किसी भी चीज का भय नहीं रहता एवं खुशहाली बनी रहती है। पूजा करने के बाद भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। साथ ही काल भैरव जी की कथा भी अवश्य ही सुने। इस प्रकार से आपकी यह पूजा सम्पन्न होती। आइए अब हम आपको काल भैरव जी की कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उन तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी विचार किया एवं विचार मंथन करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकला उसे भगवान शिव और विष्णु जी तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का प्रयास भी किया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपमानित करने का प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए और भगवान शिव के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। तब सभा में उपस्थित सभी देवी एवं सभी देवता भगवान शिव के इस भयंकर रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव जी जो कि स्वयं काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए हुए
अवतरित हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी पर प्रहार करके उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 सिर ही शेष बचे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे क्षमा मांग एवं काल भैरव के प्रकोप से स्वयं को बचाने के लिए शिव जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिस दोष से मुक्ति के लिए वे कई हजार वर्षों तक यत्र तत्र भटकते रहे। भटकते भटकते वह वाराणसी में पहुंचे, जहां उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण ही इन्हें दंडपाणि भी कहा जाता है। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभू जरूर लिखिए।